Assalamualaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. And today I am going to discuss the steps of cellular respiration, and in the steps, I am going to discuss in detail glycolysis. So let's move to the glass board. So, dear students, uh, cellular respiration. तो सेलुलर रेस्परेशन हमने बात की थी कि टाइप ऑफ रेस्परेशन इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी ठीक है और ये औरपरेशन नॉट अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म सो इट इज बेसिकली अ फोर स्टेप बेस्ड प्रोसेस और वो फोर स्टेप्स क्या ये स्टूडेंट्स Steps of cellular respiration. Number one is glycolysis. Number two is oxidation. Of pyruvic acid. Number three is Krebs cycle, and number four electron. transport chain also known as a respiratory chain a respiratory chain okay so these are the four steps in which one glucose molecules is broken down carbon hydrogen bonds <laughs> a series of reactions इनका डाउन होगा और उसमें से आहिस्ता 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 उसमें से जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगी तो रियल स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से आ, इसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने पर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बिकॉज कि ये आमतौर पर आ, इस ग्राइकोलस का जो स्केच है वो बहुत अहम है सो बोर्ड एग्जाम्स में इसकी डिटेल भी मांगी जा सकती है लेकिन यूजुअली जो है इसमें जो स्केच होता है ग्लाइकोलोसिस का उसके ऊपर मेन फोकस रखा जाता है अगर आपको डिटेल आती है तो आप स्केच बना सकते हैं अगर आपको स्केच आता है तो आप उसकी डिटेल भी लिख सकते हैं सो दैट्स इज ईजी सो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलोसिस से द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन So, so glycolysis it's a combination of two words glycoanalysis glyco means sugars and lysis means the breakdown or splitting so the process by which one molecule Of glucose, which is a six carbon sugar, is broken down into two molecules of Three carbon compound, pyruvate or pyruvic acid. Clear. So this process is called as uh, glycolysis. Literally means splitting or breakdown. Of sugars, okay? the term glycolysis. Or, difference, this, uh, this reaction or this process occurs in the cytosol. The cytosol part of the cytoplasm and uh, enzymes, you get thus ten enzymes plus ATP plus NAD are required.

टू फेजिस दो फेजेस हैं फर्स्ट फेज इज प्रेपोरेटरी फेज और uh, जिसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट फेज भी इसको कहते हो ठीक है नंबर टू द सेकेंड फेज इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज Or it is also known as pay off phase. Clear pay off phase. So total steps is mein, uh, ten steps hain, ten enzymes And uh, let us start. Se hoga? So glycolysis. It begins with glucose. It begins with glucose. So here. glucose which is a six carbon sugar a hexose basically or uh, it is converted into glucose 6 phosphate ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट और इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज की कार्बन नंबर सिक्स के ऊपर चूंकि सिक्स कार्बन कंपाउंड सिक्स कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाएगा क्लियर और चूंकि यहां पर एडिशन हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप का तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फोरेशन जैसे कि हमने पहले भी बात की थी और यहां पर क्या होगा फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाना है तो कहाँ से फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से लाया जाएगा बाय ब्रेक डाउन ऑफ ए टी पी सो यहां पर एक तो याद रखेंगे कि ए टी पी जो है वन ए टी पी इज कन्वर्टेड इन टू ए डी पी और इसका जो एक फॉस्फेट निकाला गया टर्मिनल वो कार्बन नंबर सिक्स ऑफ ग्लूकोज वहां पर अटैच किया जाएगा नाउ इट बिकम्स ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट क्लियर और यहां पर एक एंजाइम एक्ट करेगा टोटल एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस हैं ग्लाइकोलाइसिस तो एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज हैगजो काइनेज अच्छा डी स्टूडेंट्स ये आगे चलकर इनके नाम आएंगे मैं आपको साथ में शेयर करूंगा काइनेज ये एक ऐसा एंजाइम है जिसका काम ही यही है कि फॉस्फेट ग्रुप को किसी प्रोटीन या किसी शुगर के ऊपर अटैच कर देना ट्रांसफर कर देना काइनेज ये एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करता है ट्रांसफ़र करता है टू अ शुगर और टू अ प्रोटीन मॉलिक्यूल क्लियर सो हेक्सोकाइनेज इज द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फर्स्ट स्टेप ये फर्स्ट स्टेप है क्लियर द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इन टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट

फ्रुक्टोज़ सिक्स फॉस्फेट क्लियर और यहां पर एक और एंजाइम काम करेगा जो कि इसकी कन्वर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज फॉस्फो फ्रुक्टो और फॉक्स ये आइसोमर्स हैं तो आइसोमेज इज द एंजाइम आइसोमर्स किसे कहते हैं बेसिकली ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो यहां पर एंजाइम क्या है एक्ट करेगा फॉसफो हैक्सो आइसोमरेज और वह ग्लूकोज सिक्स फॉसफेट को फ्रुक्टोज सिक्स फॉसफेट जो कि इसका आइसोमर है उसमें कन्वर्ट कर देगा ठीक है नाउ इन द्रुक्टोज फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट है इसके अंदर एक और फॉस्फेट ग्रुप को एड किया जाएगा बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ए टी पी इन टू ए टी पी और इट बिकम्स नाउ फ्रूक्टोज वन सिक्स बिस्फेट फ्रूक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट बिस मीन्स टू और फ्रुक्टोज मतलब वही फ्रुक्टोज है पहले कार्बन नंबर सिक्स पे था जो क्योंकि वो एज इट इज आ रहा था आई की मदद से अब कार्बन नंबर वन पे भी एक फ्रुक्टोज एक फॉस्फेट एड हो चुका है तो इट बिकम्स कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर सिक्स पे चुके दो फॉस्फेट हैं तो बिस्फेट ठीक है फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस्फेट यहां पर एक और एंजाइम एक्ट करेगा फ्रुक्टो चूंकि यहां पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है तो ऐड करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं काइनेज सो द एंजाइम इज फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज क्योंकि यहां पर एक्ट करेगा और इसको इसमें कन्वर्ट करेगा तो ये आ, अब यहां तक बन गया फ्रुक्टोज़ बिस्फोस्फेट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप फ्रुक्टोज वन सिक्स इट इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम विच इज कॉल्ड एल्डोलेज़। यहां पर एंजाइम एक्ट कर रहा है एल्डोल और फ्रुक्टोज वन सिक्स बिजफॉस्फेट को वो दो तीन तीन कार्बन वाले शुगर्स में कन्वर्ट कर देगा दैट इज नंबर वन डायहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट और इसको हम डी ए पी भी कहते हैं डी ए पी या डी एच ए पी भी कहते हैं इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसको इस तरह से भी लिखा जाता है और दूसरा यानी देखें एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो गया ये थ्री कार्बन कंपाउंड है इट इज थ्री कार्बन शुगर एक्चुअली और एक है ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरल्डिहाइड, थ्री फॉस्फेट इसको हम जी थ्री पी भी लिखते हैं तो जी थ्री पी पहले कहां पढ़ा ठीक स्टूडेंट्स हमने तो याद आ गया आपको डार्क रिएक्शंस में हमने पढ़ा था ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट जो छे मॉलिक्यूल बनते हैं एक निकल कर वो शुगर बना देता है बाकी पांच जो है तो वो रीअरेंज करके वापस से राइबुलोसबिस फॉस्फेट बनवाता है सो दैट इज द सेम सो डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट और ग्लिस्ट्रल डी हाइड थ्री फॉस्फेड एक्चुअली ये डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन है और यह हैल्डी हाइड चैप्टर नंबर कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन और उसमें पहली क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड में पहली सब क्लासिफिकेशन थी ट्राइयोजिस वहां पर ये दोनों शुगर्स के हमने स्ट्रक्चर भी ड्रा किए थे और वहां पर हमने एक बात लिखी थी जरा खोल के दोबारा देखिएगा दैट दीज टू शुगर्स दीज टू शुगर्स आर इंटरमीडिएट्स ऑफ फोटोसेंथसिस एंड रेस्पायरेशन तो डी स्टूडेंट्स आपको याद है कि फोटोसेंथस में भी ये जी थ्री पे बना था ठीक है इंटरमीडिएट का मतलब ये सेंट्रल जो है वो स्टेप्स हैं और यहाँ पर रेस्पायरेशन में भी यहाँ पर ये दोनों बन रहे हैं ठीक है तो वो बात अब क्लियर हुई मैंने कहा था कि आगे चल कर आए चैप्टर नंबर अलेवन में हम पढ़ेंगे इसको ज़रा दोबारा से देखिएगा उसी टॉपिक को स्टूडेंट्स ये दोनों ये भी थ्री कार्बन शुगर है ठीक है अब इसको कोलेस्ट्रॉल हाई थ्री फॉस्फेट इसको यहां पर आपस में इंटरकन्वर्ट किया जाएगा ये चूंकि आइसोमर्स हैं, यहां पर एक एंजाइम एक्ट करेगा बाय द नेम ऑफ आइसोमरेज

कि जब एसिटोन फॉस्फेट पर एंजाइम एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा क्योंकि अगली फेज रन करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स चाहिए जी थ्री पी के क्लियर तो यहां पर अब दो मॉलिक्यूल्स किस तरह से एक डायरेक्ट फ्रुक्टो फ्रुक्टोज वन सिक्स बिज फॉस्फेट के टूटने से और एक इसके आइसोमरेज की कन्वर्शन से क्लियर अब आते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर सो ये जितने Uh, हमने फेज डिस्कस की ये बेसिकली फर्स्ट फेज है दैट इज द प्रेपरेटरी फेज और इस या इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं क्लियर अब हम मूव करेंगे इससे आगे जी थ्री पी तो जी थ्री पी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास टू बस ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है तो इसलिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जी थ्री पी एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट इसके कितने मेरे पास मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं स्टूडेंट्स मैं इसको अलग से मेंशन कर देता हूं हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं तो यहां से अब नीचे अब एक बात बहुत अच्छे से समझना स्टूडेंट्स अब यहां से नीचे अगली फेज चलेगी जी थ्री पी एंटर होगा अगली फेज के अंदर अगली फेज में इसी के नीचे दूसरा एरो नहीं लगा देना ये बात दोबारा सुन लें जी थ्री पी आके क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए हमने दो एरोस लगा दिए यह अगली फेज में एंटर होती है ना के डाईहाइड्रोक्सीटोनफॉसिड ये एंटर नहीं होता यह बात जरा गौर से जेन में रखनी है अगर आपने क्या किया इधर से ऐसे एक एरोल लगा दिया और इधर से भी एक ऐसे एरोल लगा दिया और बाकी नीचे वो सारा प्रोसेस कर दे तो वो गलत हो जाएगा क्लियर सो टू ग्लिस्ट्रलिटी फास्फेट इसी को मैं यहां पर आगे शो करने लगाऊ तो यहां पर ग्लिस्ट्रलिटी थ्री फास्फेट यहां पर एक एंजाइम एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फो ग्लिसरेट डी हाइड्रोजिनेस तो डीहाइड्रोजिनेस क्या करता है डियर स्टूडेंट्स हमने पहले पढ़ा था ये हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है यस yes? तो ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट पे ये एक्ट करेगा और यहां से दो हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा ठीक है ये दो हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा तो क्या होगा यहां पर एक एन ए डी यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया एन ए डी के अंदर तो क्या बन गया एन ए डी एच क्लियर इसी तरह से इस साइड पे भी वन एन ए डी इज कन्वर्टेड इनटू एन ए डी एच क्लियर तो दो एन डी एच बन के प्लस यहां पर क्या किया जाएगा कि सेल के अंदर मौजूद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो उसको ऐड किया जाएगा यहां पर इसके अंदर ये ए से नहीं टूटी गई ठीक है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो सेल के पास अपनी मौजूद थी उसको इस्तेमाल किया गया यहां पर तो यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया फॉस्फेट को वहां पर ऐड करवाया तो अब क्या होगा अब रिजल्टिंग कंपाउंड चूंकि एक फॉस्फेट इसके पास अपना पहले से मौजूद था एक फॉस्फेट ऐड करवा दिया नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाउ दिस इज कॉल्ड एज वन थ्री बिस फॉस्फो गेट बिस फॉस्फो गेट और इसी तरह से यहां पर भी सिमिलर एक से एक तो से ये बनेगा तो चूंकि दो मॉलिक्यूल्स है तो दोनों ने सेम यही बनाना है वन थ्री बिस फॉस्फो ठीक है और बीपीजी भी इसको बोलते हैं अब इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होना दिया स्टूडेंट्स यहां से यहां से रिमूव करवाया जाएगा एक एक फास्फेट को और वो जो फास्फेट है वो ऐड करवाया जाएगा एडीपी के अंदर और क्या बनवाई जाएगी ए क्लियर सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन एन एनजाइम विल एक्ट बाय द नेम ऑफ फॉस्फो गोट काइनेस क्योंकि ट्रांसफर करने वाला फास्फेट ग्रुप को वो कौन सा एंजाइम है काइनेस तो यहां पर भी ट्रांसफर होने वाला है तो इसलिए चूंकि दोनों में हो रहा है तो इसलिए मैंने इनके सेंटर में लिख दिया इसका नाम तो उसके उससे फायदा क्या होने वाला है कि जो फास्फेट इसमें से निकलेगा वो फास्फेट इस्तेमाल हो जाएगा एक ए को यहां पर कन्वर्ट करने के लिए इन टू और एक इसी तरह से यहां पर भी एक और ए को ए में कन्वर्ट करने के लिए इज दैट क्लियर तो एक एक फॉस्फेट निकल गया तो बाकी क्या रह गया स्टूडेंट्स द रिमेनिंग इज फ्री फॉस्फो ग्लिसरेट थ्री फॉसफो ग्लिस्ट्रोइ और विच वी विच इज एवरीटेड एज थ्री पी जी क्लियर और इसी तरह से यहां पर थ्री फॉस्फो गोइट क्लियर यहां पर भी बन गया यहां पर भी बन गया थ्री पी जी फॉस्फो ग्लिस्ट और यहां पर बन के हमारे पास दो एटीपी clear? Now in the next step what will happen? अगले स्टेप में होगी डियर स्टूडेंट पोजिशन आइसोमरिज्म क्या होगी पोजिशन आइसोमरिज्म आपने आइसोमरिज्म की टाइप्स पढ़ी हुई है ना तो पोजिश जैसे जैसे के लाइक किसी में जो है वो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा होता है किसी के अंदर किस तरह से जो है वो एटम्स चेंज हो रहे होते हैं एक उसमें है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पोजिशन आइसोमरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन चेंज कर दी जाती है यहां पर फंक्शनल ग्रुप है इस, इस मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट जो कि कहां पर अटैच है तीसरे कार्बन पे इसलिए इसका नाम रखा गया थ्री फॉस्फोग्लिसरेट तो यहां पर एंजाइम एक्ट करेगा दैट इज फॉस्फो Mutis. और इसको क्या करवा देगा इसकी पोजीशन को चेंज करवा देगा एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज चूंकि अब यहां से निकाला और कहां पे लेके टू फॉसफो ग्लिस्टरेट नाउ इट इज कॉल्ड टू फॉस्फो ग्लिस्टरेट और यहां पर भी क्या सेम उसी तरह से टू फॉस्फो ग्लिसरेट क्लियर या टू पीजी जी एंड टू पीजी, क्लियर हो गया अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इस टू फास्फोग्लिसरेट में से रिमूव किया जाएगा वाटर को इसमें से भी और इसमें से भी तो करवाना क्या है वाटर को रिमूव तो वाटर रिमूव हो रहा है इधर से भी तो so वाटर यहां से भी रिमूव हुआ और इसी तरह से यहां से भी वाटर रिमूव हुआ तो बाकी जो कंपाउंड बच गया वो कहलाएगा फॉस्फो इनोल पायरोट फॉस्फो इनोल पायरोट या इसको हम कहते हैं पेप पी ई पी पेप और इसी तरह से यहां पर फॉस्फो इनोल पायरोड तो आप सोच रहे होंगे कि यहां पर भी कोई एंजाइम होना चाहिए तो डेफिनेटली हैव अ पेशेंस तो देर इज एंजाइम बाय द नेम ऑफ इनोलेस

फॉस्फेट को और उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ए के पास तो क्या पहुंचेगा ए तो यहां पर भी क्या होगा इसका फॉसफेट निकाला सो ए डी पी विल बी कन्वर्टेड इन टू ए टी पी और इसी तरह से यहाँ पर एक ए डी पी जो है ए टी पी में कन्वर्ट कर दी गई तो यहाँ पर एंजाइम जो एक्ट करेगा दैट इज ट <coughs> तो आ गया वही इजाइम का जो ट्रांसफर कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को सो अल्टीमेटली वी विल गेट यहां पर भी पायरोट पायरोट एक यहां पर और एक यहां पर पायरोट क्लियर सो वन एंड टू तो ये दो पायरोट हमारे पास आ गए कहां से कहानी कहां से शुरू हुई थी एक ग्लूकोज से सो पायरुवेट विच इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड ये भी और ये भी तो आपने देखा डी स्टूडेंट्स ये कितने स्टेप्स हुए हैं चलाएं काउंट कर का लेते हैं स्टेप्स काउंट करते हैं सो so, ग्लूकोज कन्वर्टिंग टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट स्टेप को मैं मैंशन करता हूं एनजाइम्स के साथ क्लियर सो so, ये फर्स्ट स्टेप इसको मैं सर्कल कर लू ठीक है सेकेंड स्टेप ग्लूकोज सिक्स फॉस्टफेट इज कन्वर्टिंग टू फ्रुक्टोिक्स फॉसफेट बाय द हेल्प ऑफ फॉसफो है इसका आइसोमर है सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर एक और फॉस्फेट को ऐड किया गया बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फो तो ये आ गया थर्ड स्टेप क्लियर और क्या बन गया फ्रुक्टोज चौथे स्टेप में क्या किया गया कि एल्डोलिज ने इसको तोड़ दिया दो तीन तीन कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में डायहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट और थ्री में तोड़ दिया अब पांचवें स्टेप में क्या होगा कि एक तो डायरेक्ट इसके टूटने से बन गया जी थ्री पी सो दिस इज जी थ्री पी और एक कैसे बनेगा डायहाइड्रोक्सिटोन फॉस्फेट के ऊपर आइसो में रिजेक्ट करेगा और इसमें इसको जी थ्री पी में कन्वर्ट कर देगा तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए यहां पर जी थ्री पी के दो यही दो जी थ्री पी आगे चल गए सो स्टूडेंट्स यहां से जो फर्स्ट फाइव स्टेप्स थे ये वाली यानी जहां तक ये वाला सारा जो हमने प्लान किया ये वाला जो हमने पढ़ा ऑल दिस इज दहले फाइव स्टेप्स द फर्स्ट फाइव स्टेप्स दे आर कॉल्ड द प्रेपरेटरी फेज प्रेपरेटरी फेज तो इसमें एक्चुअली प्रिपेयर किया जा रहा है जी थ्री बी को दो वॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर किया जा रहा है किसके लिए आके अगले फेस के लिए और इसको इन्वेस्टमेंट फेज़ भी कहते हैं उसकी रीज़न डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सॉरी लिखना भूल गया तो यहाँ पर भी चूंकि एक और फॉस्टफेट ऐड हुआ था तो तभी ये वन सिक्स बिस् फॉस्टफेट बना था तो एक ए टी पी यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ था सो इट इज़ कन्वर्टेड इन टू ए टी पी और इसका फॉस्टफेट यहाँ पर ऐड हुआ था तो यहाँ पर दो ए टी पी इस्तेमाल हुए आपने इन्वेस्ट किए आपके सेल ने दो ए टी पी इन्वेस्ट किए इसलिए तो कहा था कि ए टी पी भी चाहिए एन एडी भी चाहिए क्योंकि ये एनएडी है इसको किसमें कन्वर्ट किया जाएगा एन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा तो दो ए आपके सेल ने जो है वो इन्वेस्ट किए उसने पैसा लगाया किसकी शक्ल में ए टीपी की शक्ल में दो ए अब ये वाली सारी फेल्स यहां से चलिए इसके स्टेप्स को भी मार्क कर लें ये है जी स्टेप नंबर सिक्स दिस इज स्टेप नंबर सिक्स जिसमें ग्लिसर थ्री फॉस्फेट में से दो हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है और रिजल्टिंग कंपाउंड जो है वो क्या कहलाता है बिस्फॉस्फेट वन थ्री बिस फॉस्फोगट क्योंकि साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड किया और ये मैंने बताया था कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ए टी पी या ए टी पी से नहीं लिया बल्कि ये सेल के अंदर पहले से मौजूद है वही इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है एल्जाइम है फॉसफोगसरेट डीहाइड्रोजनस क्योंकि इसने हाइड्रोजन को निकाला यहाँ से जी थ्री पी में से इन द सेवंथ स्टेप ये बाजेगा हमारा सेवंथ स्टेप इसमें वन थ्री बिज फॉस्फोग को कन्वर्ट किया जा रहा है थ्री फॉस्फोग में किस तरह से कि एक फास्फेट निकाल लिया एक फास्फेट इधर से निकला एक फास्फेट इधर से निकला मतलब कि दो ए बन गए तो इन्वेस्ट कितने किए थे दो वापस कितने आ गए दो तो ये तो हमारा अभी खसारा पूरा हुआ ठीक है जो इन्वेस्टमेंट की थी वो पूरी हो गई अभी तक हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला अब थ्री फॉस्फोग्लिसरेट जो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोजिशन आइसोमरिज्म पोजिशन आइसोमरिज्म होगी तीसरे फ, आ, जो है वो थर्ड फ, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट यानी तीसरी कार्बन पर जो ग्लिसरेट लग फॉस्फेट ग्रुप लगा था उसको उतार कर कहाँ पर लगा दिया जाएगा सेकेंड के सेकेंड कार्बन पे इट बिकम्स टू फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एनजाइम फॉस्फोग्लिसरेट मूटेज क्लियर अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर भी ए एटीपी बन रहा था तो एंजाइम इज काइनेज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज सो दिस इज द एथ स्टेप अब अगला जी द सेकंड लास्ट स्टेप ये इनोलेज वाला यहां पर अब टू फॉस्फोग्लिसरेट में से वाटर को रिमूव किया जा रहा है इधर भी और उधर भी इनोलेज एक्ट करेगा और इसको किसमें में कन्वर्ट कर देगा फास्फोइनोल पाइरूएट पेप फास्फोइनोल पाइरूएट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इन द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप द 10थ स्टेप एन्जाइम इस पायरोट का इसका मतलब यहाँ पर फिर कोई फॉस्फेट ग्रुप वाला चक्कर होने वाला है तो यहाँ से जो फॉस्फो इनोल पायरोट था इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को निकाला जाएगा जो निकला उसको ए में ऐड किया जाएगा तो क्या बना जाएगा ए इधर भी और इधर भी क्लियर होगी बात तो जब इसमें से फॉस्फेट निकल गया अब द रिमेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज पायरोट यहाँ पर भी पायरोट यहाँ पर भी एसिड सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पारोविक एसिड आर देयर ये जितना स्टेप हमारे पास चल के आया स्टूडेंट्स ये फ्रॉम सिक्स टू टेन ये पांच जो स्टेप्स हैं इसे हम कहते हैं पे ऑफ फेज दिस इज पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज क्यों पे ऑफ क्यों जो खर्च किया था जो इन्वेस्ट किया था वो हमें वापस मिल गया कैसे यहां पर देखें टोटल एटीपी बन कितने रहे हैं यहाँ पर बन रहे फॉर्मेशन हो गया एक ए टी पी यहाँ पर बना एक यहाँ पर बना वन टू एक ए टी पी हमारा यहाँ पर बन रहा है थ्री एक ए टी पी यहाँ पर बन रहा है फोर हमने इन्वेस्ट कितने किए थे ए टी पी इन्वेस्ट कितना हुआ था एक और ये दो दो इन्वेस्ट किए थे मिले कितने चार मतलब फ़ायदा कितना हुआ दो का तो दो तो हमारा खसारा पूरा हुआ जो इन्वेस्ट किया था और दो ये वाले जो हैं टेन स्टेप में ये हमारा फायदा है प्लस अब इसमें नेट गेन क्या आने वाले डियर स्टूडेंट्स तो आइए अब कैलकुलेट करते हैं इसकी नेट गेन सो so, इस पूरे स्टेप्स में द नेट गेन इज इस पाइरोविक एसिड बनने तक मीन्स के इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या क्या हासिल हुआ नेट गेन नंबर वन हमें मिले नेट गेन इज टू एटीपी दो एटीपी हमारा फायदा हुआ इतना हमें फायदा हुआ क्योंकि दो तो हमारा खसारा पूरा होने में लग गए जो सेल ने इन्वेस्ट किए थे दो तो वही पूरा हो गया ये वाले दो हमारा फायदा है ये हमारा नेट गेन है प्लस एन बने ये देख सकते हैं इस छठे स्टेप में दो एक ये एन एडीएच और एक ये एन एडीएच दो एन एडीएच बन गए ये भी फायदा है ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जब चढ़ेंगे तो इनसे ए टीपी ही बनने हैं ठीक है और तीसरा यहाँ से हमें क्या मिल गया दो मॉलिक्यूल किसके पाइरोवेट के तो ये तीन हमारे पास नेट गेन आ रहे हैं बाय द ग्लाइकोलिस ठीक है ग्लाइकोलिस के टोटल नेट गेन है एटीपी फॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाए एटीपी फॉर्मेशन कितनी हुई है तो चार एटीपी बने थे नेट गेन का पूछा जाए नेट एटीपी गेन तो वो दो ही हैं क्योंकि दो इन्वेस्ट हुए थे वो लेवल हो गया फिर सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दोटल नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलोस तो ये दो फेजिस ये स्टेप वन टू स्टेप फाइव दिस इज़ प्रेपरेटरी फेज और इन्वेस्टमेंट फेज इसमें दो ए टी पी इन्वेस्ट की गई और स्टेप सिक्स टू स्टेप टेन दैट इज द ऑक्सीडेटिव फेज और पे ऑफ फेज जिसमें हमारा खसारा भी पूरा किया गया और हमें उससे कुछ फ़ायदा भी हासिल हुआ सो स्टूडेंट होपफुल आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टू स्टेप्स ऑफ सेलोर रेस्परेशन तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज